या कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए हर छात्र छात्रा बेस्ट कोचिंग टॉप स्टडी मटेरियल और एक्सपर्ट की सलाह और मदद जरूर लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वह परीक्षा में पास कर जाएं ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन देश में कुछ ऐसी प्रतिभाशाली और मेहनती बच्चे भी होते हैं जो जिंदगी में अभाव के बीच सिर्फ हौसले के बलबूते पर मुकाम हासिल करते हैं। ऐसी ही एक कहानी है बंगाल के मालदा जिले के रहने वाले अभिजीत रॉय की, जिन्होंने बेहद मुश्किल पारिवारिक हालात के बीच जेईई में 191 रैंक के साथ आईटीआई खड़गपुर में एक सीट सुरक्षित की। मालदा इंग्लिश बाजार के रहने वाले अभिजीत रॉय के पिता कई साल से लापता और मां मानसिक तौर पर बीमार है। उनके दादा ही दिन रात मेहनत करके ही घर चलाने के साथ अभिजीत की पढ़ाई का भी खर्च देते हैं। बता दें कि उनके दादा टोटो इलेक्ट्रिक रिक्शा चलाते हैं और कोयला बेचते हैं। भाजपा नेता और सांसद दिलीप घोष ने कुछ पहले अभिजीत रॉय के घर जाकर उनसे मुलाकात की थी। इसके बाद उन्होंने अभिजीत रॉय की इंस्पायरिंग स्टोरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की थी, जिस पर बड़ी संख्या में सोशल मीडिया यूजर्स ने अभिजीत के हौसले की तारीफ की थी। आईटीआई खड़गपुर देश का पहला आईटीआई है। इसे 1951 में स्थापित किया गया था। हालांकि इसकी स्थापना साल 1950 में इंटर्न इंस्टीट्यूट ऑफ हायर टेक्नोलॉजी के नाम से शुरू किया गया था, जिसके बाद में आईटीआई में बदल दिया गया।